Hey, hi everyone, very good morning. Yes, it's a very good morning. Now, this is actually the thing कि हमने जो कसौली वाला ब्लॉग था वो इंस्टेंटली वाइंड अप हो गया, मतलब बिकॉज कसौली में ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं था. लेट्स टेक दी नेचुरल थिंग. आज के ब्लॉग के अंदर वी आर गोइंग देयर, मतलब आज के ब्लॉग में नहीं, अब से जो ट्रिप स्टार्ट होने वाली है दैट इज़ वेरी सीनिंग एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल टुगेदर. बट येस, वन मोर थिंग इज दैट कि हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ विजिट करेंगे. सो वी फाइनली डिसाइडेड वी आर गोइंग टू विजिट दी स्पीति वैली. ऑल्सो देयर इज इन वन वैली लाइक इन बिटवीन, वो रस्ते में आ रही है, वहाँ पर भी बताऊँगी आपको. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन द कसौली एंड आई सॉ द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सनराइज. बहुत बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था. बट ऑल ऑफ सडन मेरा कैमरा चार्ज नहीं था तो दैट्स वाई मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर पाई. बट येस, दैट इज़ ऑल टुगेदर वेरी ब्यूटीफुल. लेट्स वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग एंड लेट्स ही देखते हैं कि हमारा ये ट्रिप हमें कितनी और ज़्यादा जगह, अच्छी ब्यूटीफुल जगह लेके जाने वाला है. एंड दैट इज वेरी सीनिक आई नो. सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम निकल पड़े अपने एक नई मंजिल की तलाश में. सफ़र बहुत सुहाना था, रास्ते बहुत सीनिक थे और मंजिलें मंजिलों का तो क्या ही कहना. तो वहाँ से हम निकले और रस्तों का लुफ्त उठाते हुए हम जगह जाना चाहते थे, पर हमने सोचा कि क्यों ना इन रस्तों से मोहब्बत कर ली जाए. और ये रस्ते इतने ही बेहतरीन और इतने ब्यूटीफुल थे कि बस हमने दिल ही दे दिया. कौन कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं होता. अरे पहाड़ों को देखो तो सही, हर पहाड़ में एक अपनी खास बात है. इस बीच में हमने रस्ते में जूस पिया और बस हम बातें करते करते पहुँच गए शिमला. शिमला का नज़ारा बहुत ही खास लग रहा था क्योंकि वेदर हम सबके फेवर में चल रहा है. सो वी आर एट शिमला राइट नाउ. अभी हम लोग शिमला में यहाँ का मॉल रोड घूमेंगे. वैसे यहाँ अभी सेम एज इट इज थिंग, जैसे कसौली की तरह कुछ घूमने के लिए नहीं है ज़्यादा, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट मॉल रोड था. और इसके बाद में भी हम उसके बाद कहाँ जाएंगे, तीरथ वैली एंड देन आफ्टर दैट स्पीति वैली. स्पीति वैली हमारा लास्ट स्टॉप है. यस सर, वेलकम टू इंडिया. जिसका दिमाग चल रहा है ट्रिप के लिए उसको प्याज की कचौड़ी खानी है. कचौड़ी खानी है स्पेशली स्पेशली लोग ये आयरलैंड से ना कचौड़ी खाने के लिए आए, वो भी शिमला की. जी, हम शिमला मॉल रोड की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हमने देखी कि यहाँ पे है एक लिफ्ट, जिस लिफ्ट की टिकट है मात्र 10 रुपये. और हमने 10 रुपये की टिकट ली एंड हम लिफ्ट में सवार हो गए. और जब हम सवार हुए तो लिफ्ट के अंदर हमने, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक अंकल जी हैं और हमारे साथ के दोनों लोगों ने उन अंकल जी को थोड़ा टीज किया, जो मुझे लगा कि वो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा था, बट आई डोंट वॉन्ट टू पोस्ट दिस थिंग. तो मुझे लगा चलो चलते हैं, दिखा देते हैं आपको शिमला मॉल रोड की तरफ. शिमला मॉल रोड पहुँचे तो बहुत ही देखने में मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कैसा होगा शिमला, कैसा होगा शिमला. बट शिमला एकदम बिल्कुल सरोजनी नगर जैसा था. सरोजनी नगर वाली मार्केट सेम एज इट इज, सब कुछ वही लग रहा था, भीड़ भड़का वैसा ही था. पर मेरे साथ के ये लोग, भाई ये लोग तो आपस में ही दोस्ताना था, बहुत ही ब्यूटीफुल. कहते हैं ना कुछ दोस्त मेड फॉर ईच अदर होते हैं, दे आर द वन. इतनी बेइज्जती कर दूंगा, इतनी बेइज्जती कर दूंगा, किसी ने सोची ना होगी, बंदे ना सोची होगी. जोगिंदर सी ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली दे आर एक्चुअली योर डाई हार्ट फैन. डाई हार्ट बाबू अंदर भी है, बिग फैन सर, बिग फैन. हमारी सड़कें पीछे वाले का हाल देखो. मैं ठीक हूँ. अच्छा, मुझे आप पता लगा कि हम तब से नीचे घूम रहे थे और नीचे घूमने पर वो शिमला वाली मार्केट थी. पर हम ऊपर चले, ऊपर चलकर हमने देखा कि फाइनली शिमला मॉल रोड आ गया है. मॉल रोड देखने के साथ ही दिल भी खुश था और भूख भी बहुत लग रही थी. और हमें भूख लगते लगते हमने कुछ फूड एक्सप्लोर करा और हमारे साथ छगन ब्लॉगर एज ऑलवेज फूड की तरफ अट्रैक्ट हो गया. सो मीट आवर छगन ब्लॉगर. छगन, चेहरा दिखाओ अपना. अभी वी कवर, हमने क्या क्या देख लिया, मतलब मॉल रोड ही घूम रहे, शिमला का मॉल रोड. गोलगप्पे नहीं मिले अभी तक. ओए, इसको खोज के गोलगप्पे चटोरा है ये. इंटरेस्टेड, हमारे ब्लॉग में एक NRI आया हुआ है, बताओ क्या खाते हो. दिल्ली में तो तुम चाट, टिक्की, गोलगप्पे, दही भल्ले, पापड़ी, पान, ये सब खाते हो. क्या जो मिलता है वो खा जाए.
ये वहाँ जो मर्जी। हाँ क्या क्या मतलब फिर भी एनीथिंग यार, कुछ भी स्पेशल मिलता ही नहीं है वहाँ, सब आयरिश फूड इज शिट। हाँ आयरिश फूड इज एनीथिंग स्पेशल इन आयरिश फूड, एवरीथिंग इज नॉन वेज एंड आई एम वेजिटेरियन सो माय गॉड इट्स हार्ड टू लिव इन। हाँ चलो वी आर गोइंग अभी यहाँ से, ये तो फन पार्ट चलता रहेगा क्योंकि दो लोग ऐसे मेरे साथ में बड़े मतलब दे वर जस्ट काइंड ऑफ आराम से अपने उसके लिए आए और मैं तो घूम रही हूँ और इनका भी पता नहीं है कैसे इन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एंड आई विल शो यू द सम सिनेमैटिक शॉट्स कि कैसे कैसे लुक्स है शिमला, तो सबने देखा ही होगा, जिसने नहीं देखा है तो दैट इज रियली गुड ऑप्शन फॉर यू, यू कैन विजिट दिस प्लेस और इट्स सो मच हैपनिंग, अच्छा है, सीनिक है, जा सकते हो, घूम सकते हो, बट हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वी हैव ओनली द वन डे ओनली फॉर 1 to 2 hours। ऊपर क्या है, चलो ऊपर देखते हैं गोलगप्पे मिल जाए तो। जस्ट 2 minutes बड़ी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है छगन ब्लॉगर के मीम्स ना बनाना गोलगप्पे को लेकर, ठीक है? छगन ब्लॉगर है, छगन ब्लॉगर। इधर ब्लॉगिंग कैसी थी, यू करके गोल टिक्की को जूम कर दिया, टिक्की के अंदर ये पता लग जाए कि आलू कितनी स्टफिंग हो रखी, इतना जूम था। ओ भाई पता लगना चाहिए ना कि क्या खाया आपने, खाया तो सुबह वाला पार्टी खाना चाहिए ना, तो मतलब क्या खाया तुमने। ये बात ऐसी है कि अब ये मिशन शिमला नहीं, अब ये मिशन गोलगप्पे हो गया है, क्योंकि हम यहाँ से अब गोलगप्पों की तलाश में चल रही हैं। बस सुना है कि गोलगप्पे ऊपर मिल जाएंगे और हमारे साथ का एक पर्सन है जिसको गोलगप्पे की बहुत तलब है और हमें भी साथ में अब उसने ऐसी जिद लगाई है कि चलो गोलगप्पे ही खाते हैं, क्योंकि शिमला में देखने के लिए सच में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ ओनली ओनली हम देख अगर देखें तो मॉल रोड पे हमें कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ आर्किटेक्चर्स है, कुछ चीज़ें हैं, चर्च है। तो हमारे ब्लॉग में एक इम्प्रूवमेंट हुई है, फाइनली हमें गोलगप्पे मिले थोड़ा चलने के बाद में। भाई पहले पानी टेस्ट कराया फिर मजा आएगा आगे। ये लोग आते कहाँ से हैं, इतने चटोरे लोग हैं। हां मैं पहले पानी, यू आर क्रेविंग हां कि पहले मैं पानी ट्राई करूंगा, अगर पानी स्वाद नहीं हो तो मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगा। पानी स्वाद नहीं नहीं सीधे इनको, अगर इन्होंने गोलगप्पे की बुराई करी सीधे आयरलैंड भेजा जाएगा इनको डायरेक्ट, यहीं से ट्रांसफर आयरलैंड के अकॉर्डिंग तो 6 टेस्ट में यहां पे। तीखा वाला तो तीखा वाला पहले मैं तुम्हारा मीठा टेस्ट करता हूं। दो प्लेट लेना हो जाए भाई, आ जाओ। या कुछ अच्छी अच्छी सी बिल्डिंग्स बनी हुई है वही देखने लायक है, अदर देन दैट आप शिमला के अंदर मेरे हिसाब से एक दिन से ऊपर नहीं बिता पाएंगे, ये मेरा पर्सनल मानना है। और बस ऐसे ही हम फिर चले आगे। What do you order? Makhni Pai and one blueberry pastry. They said that they have the best pastries is blueberry and the best snack is that Makhni Pai. So we just trying that out. Thank you so much. इतनी टाइटल अच्छा लग रहा है। इतनी इंग्लिश काफी है। So हम लोग अभी आ चुके हैं। हम लोग मतलब शिमला से जा रहे हैं basically. शिमला it is about how you like Shimla? It is a good place but right now there is a lot of traffic. A lot of traffic and यहाँ के कॉप्स है ना बहुत ज्यादा वैसे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मतलब दे आर जस्ट लाइक इतना सा इतना भी मूव नहीं करना। एंड वी हैव अ पर्सन इस टाइम पे जो कुंभकर्ण से कम नहीं है, जैसे सुबह शाम नींद आती है, देखो ही इज स्लीपिंग देयर, ओह गॉड। चलो अच्छा अभी लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, वेयर वी आर गोइंग, अभी आज हमारा प्लान था कि हम लोग सुबह जल्दी निकलेंगे कसौली से एंड कसौली से निकलने के बाद में हम शिमला आएंगे। इस बीच में मेरी हो गई तबीयत खराब, मुझे थोड़ा वॉमिट वाला फील हुआ गया, एज आई एम अ पर्सन जिसको एल्टीट्यूड सिकनेस रहती है और पीछे से आवाज बड़ी अजीब अजीब आ रही है और मतलब थिंक इज दैट कि इसके बाद में हमें जाना है यहाँ से, हम जा रहे हैं तीरथ वैली जा रहे हैं। तीरथ वैली में 7 hours का है, मतलब 63 किलोमीटर, 186 किलोमीटर, इट्स 186 किलोमीटर एंड इट जस्ट टेक्स 6 hours, सो बहुत लंबा ड्राइव है, बहुत लंबा करना पड़ेगा है ना, बहुत लंबा रन है। और इस बीच में हमें कहीं बीच में पिट स्टॉप मिलेगा, वहाँ पे हम रुकेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, मतलब थोड़ा नॉट सो मच बट जस्ट लाइक लिटिल बिट, बिकॉज हमें ट्रैवल कर आगे पहुंचना है। देखिए टिक्की गोलगप्पे तो याद आने वाले, बिल्कुल इस बंदे को टिक्की गोलगप्पे जरूर याद आएंगे इसको, लाइक ही इज द पर्सन जिसको 24 घंटे टिक्की गोलगप्पे। हम दो दिन से यही खा रहे हैं ना, दो दिन से टिक्की गोलगप्पे ही खा रहे हैं, अभी टिक्की गोलगप्पे जैसे हो रहे हैं।
चलो लेट्स सी अभी हम देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है. आई डोंट नो हाउ इज दिस व्लॉग्स गोइंग ऑन, अभी क्या है क्या नहीं है, बट एट द एंड इट कम्स वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छी चीजें आएगी, बहुत सीनिक की लोकेशन के साथ में. शिमला में देखो वैसे तो देखने के लिए सच में ज्यादा कुछ नहीं है, इट जस्ट ओनली द मॉल रोड. बट इफ यू वॉन्ट टू विजिट तो शिमला में आप पैदल पैदल भी वॉक कर सकते हो, एक दिन का आराम से घूम सकते हो. वन डे ट्रिप, हाँ वन डे ट्रिप इज टोटली फाइन. आपको ज्यादा कुछ छूटेगा भी नहीं आपका, और ये भी नहीं होगा कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया है या फिर मतलब सब कुछ यू विजिटेड. बस एक पॉइंट है जहाँ पे हमें हनुमान जी दिख रहे थे वहां तक हम नहीं जा पाए, बट लेट्स सी, देखते हैं. प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को. सफर यहीं खत्म नहीं होता है, यहाँ से तो शुरुआत हुई है. आपने लगा लिया होगा अंदाजा रस्तों को देखकर कि बर्फ आने लगी है, और हम कुछ ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ सिर्फ बर्फ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है. तो बहुत एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है. आई एम श्योर आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही देना, एंड साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जो लोग गोलगप्पा के फैंस हैं एंड ऑल्सो जो लोग पहाड़ों में घूमने के फैंस हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए सफर की तलाश में.